सफाई कर्मियों की हड़ताल जारी। रविवार सुबह से हाथों में झाड़ू लेकर सड़कों पर साफ सफाई के लिए उतरे जनप्रतिनिधि अधिकारी। सिवनी मालवा नगर में लगभग 8 दिन से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इसके चलते नगर में कूड़े के जगह जगह ढेर लगे थे। महामारी ना फैले इस डर से नगर पालिका के द्वारा सभी सामाजिक संगठन अधिकारी तथा नेताओं ने नपा अध्यक्ष से शनिवार को अपील की थी कि रविवार सुबह से नगर की सड़कों की साफ सफाई करेंगे, जिसको लेकर सुबह नपा अध्यक्ष रितेश जैन, एसडीएम अनिल जैन सहित सीएमओ शीतल बलाबी सहित जन प्रतिनिधि एवं कर्मचारी जयस्तम चौक पर हाथों में झाड़ू लेकर पहुँचे और जयस्तम चौक पोस्ट ऑफिस के पास सब्जी मार्केट सहित अन्य जगहों पर साफ सफाई की गई। नपा अध्यक्ष रितेश जैन ने बताया कि विगत 8 दिनों से सफाई दूतों की हड़ताल जारी है, जिससे कि नगर में जगह जगह कचरा और गंदगी दिखाई दे रही है, जिसके चलते सामाजिक संगठनों जन प्रतिनिधियों सहित अधिकारी कर्मचारी के द्वारा साफ सफाई कर कचरे के ढेरों को कचरा वाहन में डाला गया है। उन्होंने बताया कि यदि जल्द ही कचरा साफ नहीं किया जाता तो बीमारियां फैलने लगती, इसलिए आज सभी के द्वारा श्रमदान कर कचरा साफ किया गया है। वही सीएमओ शीतल बलाबी ने बताया कि नर्मदापुरम कलेक्टर के निर्देश पर आज नगर पालिका के द्वारा सामाजिक लोगों के सहयोग से नगर के मुख्य स्थानों जैसे जयस्तम चौक, गांधी चौक, सब्जी मार्केट सहित अन्य गलियों में भी साफ सफाई की गई है तथा कचरा उठाया गया है। सीएमओ ने सभी से अपील की है कि नगर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने में नगर पालिका को सहयोग प्रदान करें और चलाए जाने वाले स्वच्छता अभियान में अपनी सहभागिता दें, जिससे कि हम हमारे नगर को पूर्व की तरह स्वच्छ एवं सुंदर बना सकें। आज शासन के आदेश पे आज और कल 1 तारीख और 2 तारीख को स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हमें शासन के आदेश मिले हैं कि जितना हो सके अपन नागरिकों की हेल्प लेके सबको साथ में लाके स्वच्छता का कार्यक्रम चला सके। किस प्रकार का ये अभियान? क्योंकि सफाई कर्मचारी की निरंतर हड़ताल चल रही थी, उसके कारण नगर में अत्यधिक कचरा इकट्ठा था। नगर के गणमान्य नागरिक, पत्रकार, साथी, माताओं, बहनों, व्यापारी भाइयों सबके सहयोग से आज एक विशेष साफ सफाई अभियान हमारे द्वारा चलाया गया है, जिसमें नगर के मुख्य बाजार को पूर्णतः कचरा मुक्त किया जा रहा है। इसके